देखिए एटीएन लाइव की टीम तो लगातार बनी हुई है मतगणना को लेकर के, रुझान से लेकर के, चाहे तमाम तरह की जो चीज़ें, देखिए यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं और शुक्ला टोली मोहल्ले के आसपास हम हैं और लोग रुझान के प्रति चाहते हैं। कई अलग अलग समर्थक होंगे, किसी दल के होंगे, कोई निर्दलीय होगा। हम इन लोग से जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, अब आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या होगा? महागठबंधन की उम्मीद है। उम्मीद है जी। तो जश्न की भी तैयारी कुछ चल रही होगी? नहीं, हम नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल तरीके से मिला जुला कर चलना। मेरा नेता बोले हैं जी 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 कि एकदम बढ़िया से बनाइए, किसी तरह की बात नहीं करना है, बढ़िया से जो होगा शांति से सब कुछ, शांति से। आप बताइए क्या होने जा रहा है? हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी 100%। तो एग्जिट पोल दिखाए थे या फिर जो 7-5 और आज भी जो दिखाया जा रहा है कि फिर आएंगे, हम फिर यही आएंगे। नीतीश कुमार एकदम 100% नीतीश दिखाया तो जा रहा है कि महागठबंधन की वो बना 109 पर लुटक जाएंगे। आप बताइए क्या कर रहे हैं? 109 पर लुटक जाएंगे। हम जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब है बिहार खाती लालू जी के बेटा जो किए हैं वो भी होगा और सरकार उन्हीं के बनेगा, मगर फूल में तो जरूर जाएंगे जो भी समर्थन होगा। मतलब तो अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो क्लियर। अरे सिवान का छोड़िए ना, बाकी बाकी होगा, आपके सिवान से नहीं होगा। बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि भीड़ नहीं लगाना है। आप लोग, हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप बताइए क्या होने जा रहा है? देखिए सरकार किसी की भी बने लेकिन आम जनता को उससे बेनिफिट होना चाहिए, आपसी सामंजस्य बरकरार रहना चाहिए जी, क्योंकि एक दूसरे को एक साथ रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग की बात है। जी जी जी, हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रह रहे हैं। कभी भी जी जी, कभी भी हट जाइए लाइट जी, थोड़ा सा ये लगे कि हाँ किसी की भी सरकार बने तो थोड़ा सा शांतिपूर्वक सब लोग रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और सरकार जिसकी भी बने वो लोगों को, आम जनता को ये बेनिफिट दे, कोई किसी की सरकार बने जी जी। लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए जी जी। ऐसा नहीं कि सरकार बन जाए उसके बाद से आप एक दूसरे को लड़ाने लगे, इस तरह की बात पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, लड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी बात, मतलब सरकार बने तो बेनिफिट जिन्होंने आपको वोट किया, चाहे किसी को भी वोट किया, मैंने अगर किसी को वोट किया है तो ये लगना चाहिए कि मैंने वोट किया है तो उसका कुछ हमको। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी अगर आरजेडी की सरकार आती है जैसा कि आपने बताया, तो मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है, किन मुद्दे पे एनडीए पीछे हो गई? क्या यह माना जाए कि कोरोना, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि जमीनी स्तर पे काम नहीं हुए और हवा हवाई सब कुछ हुआ और जनता ने जो मैंडेट दिया, क्या माना जाएगा इसे? इसकी बेरोजगारी, बेरोजगारी जी, ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात की ये जो कोरोना काल में जी जी जो लोग हमारे भाई वापस आए हैं, ये सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, कोई सहायता नहीं दी जी, यही कारण और कुछ नहीं कारण। बेरोजगारी बेरोजगारी है, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक अमन चैन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपील होगी आप तमाम लोगों से कि आप लोग कृपया यहां से भीड़ को हटा दें, क्योंकि 144 धारा लागू है, प्रशासन ने सख्ती के साथ सब कुछ यहां पे दिशा निर्देश जारी किया है। तो देखा आपने कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा कि लोगों का मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और इसी को लेकर के लोग वोटिंग किए होंगे। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि शायद बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी। लेकिन अभी सा और वक्त का इंतजार करना होगा, 1-2 घंटे के इंतजार करने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि बिहार का जो ताज होगा वो किसके सर होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।